हाय गाइस, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फोन पे पर न्यू अकाउंट कैसे बनाएं और गाइस आप यह सेम प्रोसेस करके इंस्टेंट ही 200 रुपये भी कमा सकते हैं। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो गाइस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने दिख रहा होगा इंटर योर मोबाइल नंबर, तो जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर मोबाइल नंबर है वही नंबर फिल कर देना है। और गाइस आपको यह ध्यान रखना है कि रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही यह प्रोसेस करना है। फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 5 अंक का OTP आएगा, जो कि यह ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। फिल होते ही आपको परमिशन देना होगा, तो आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है, तो सक्सेसफुली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको दिख रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट, तो गाइस यहां पर स्किप कर देना है और स्किप करने के बाद आप एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाएंगे और आप जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप इस प्रकार की ही होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, तो आपको ऊपर की ओर दिख रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कई सारे बैंक का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहां पर चेक करना है कि आपका किस बैंक में अकाउंट ओपन है। और अगर आपको बैंक नहीं मिलता है तो आप सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है, तो मैं इसमें क्लिक कर दूंगा और आपका जिस बैंक में अकाउंट होगा उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही सक्सेसफुली बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। फिर आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा, जहां पर आपको UPI पिन बनाना होगा। और अगर आप पहले कभी UPI पिन बनाए होंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, तो आपको डन पर क्लिक कर देना होगा। फिर आप पुरानी UPI पिन से ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहां पर जिनका अकाउंट बना रहा हूं वो पहली बार फोन पे पर अकाउंट बना रहे हैं, तो इनको यहां पर UPI पिन बनाना होगा। जब भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो पिन डालेंगे तभी पैसा ट्रांसफ़र होगा। और गाइस आप दो तरीके से UPI पिन बना सकते हैं, अपने आधार कार्ड से और अपने ATM कार्ड से। उसी बैंक का ATM कार्ड होना चाहिए जिस बैंक में आपका अकाउंट ओपन है। तो मैं यहाँ पर ATM कार्ड से UPI पिन बनाऊँगा। और गाइस अगर आप कमेंट करेंगे कि आधार कार्ड से फोन पे न्यू अकाउंट कैसे बनाएं, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो गाइस मैं ATM कार्ड से बना रहा हूं, तो आपके ATM कार्ड में 16 अंक का नंबर होगा, तो उसमें से लास्ट का 6 डिजिट नंबर फिल करना है और एक्सपायरी डेट एंड मंथ फिल करना है। फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और अलाउ पर क्लिक कर देना है। फिर इस नंबर पर एक OTP आएगा, जो कि ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। फिर आपके सामने UPI पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, तो अगर आपके सामने 4 डिजिट का पिन बनाने का आता है तो बना लेना है, या तो 6 डिजिट का आता है तो UPI पिन बना लेना है। तो यहाँ पर 4 डिजिट का पिन बनाने के लिए आया है, तो मैं यहाँ पर 4 डिजिट का पिन बना लूँगा जो मेरे को याद रहे। तो मैं यहाँ पर 4 डिजिट फिल कर देता हूँ और फिर दोबारा से वही पिन री एंटर कर देना है, उसी पिन को दोबारा से डाल देना है और डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने सक्सेसफुली UPI पिन क्रिएट हो गया है, तो आपको डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आ जाएगा पे बिल्स, चेक बैंक बैलेंस, सेंड रुपीस, रिचार्ज मोबाइल, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। कट करते ही आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, तो आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो लगा लेना है। जब भी कोई पैसा भेजेगा तो आपकी फ़ोटो शो करेगा और वहीं पर नीचे आपका अकाउंट दिख रहा होगा। तो अगर आप एक से अधिक बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो वहीं ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके वही सेम प्रोसेस करके बैंक ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक ही बैंक ऐड रहने देता हूं। फिर आपको बैक आ जाना है, जहाँ पर आप एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाएंगे। फिर गाइस आपको लेन देन ने के लिए सबसे पहला ऑप्शन QR कोड का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। QR कोड का तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अलाउ परमिशन दे देना है, तो आपका कैमरा इनेबल हो भेजना है, तो फिल करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है और आप जो 4 डिजिट का UPI पिन बनाए थे उसे फिल कर देना है और डन पर क्लिक कर देना है। तो आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। और उसके बाद गाइस 2 मोबाइल नंबर से पेमेंट कर सकते हैं और 2 बैंक UPI ID से किसी के बैंक अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं। और यहां चेक बैलेंस से अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं UPI पिन डाल के, तो आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो शो करने लगेगा।
और फिर गाइस आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी पेमेंट कर सकते हैं। और गाइस इसका लिंक रेफर करके आप इंस्टेंट ही 200 रुपये कमा भी सकते हैं। जो भी आपके इस लिंक से फ़ोनपे का अकाउंट बनाएगा तो आपको 200 रुपये तुरंत ही मिल जाएगा, और जो अकाउंट बनाएगा उसे भी 100 रुपये कैश बैक मिलेगा। तो गाइस आप ऐसे ही रेफर करके 200 कमा सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। सो गाइस थैंक यू।